राजधानी भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पिछले 15 दिन से टाइगर के खौफ में जी रहे लोगों को राहत मिल गई है। यहां घूम रहे टाइगर को पकड़ लिया गया है। पिंजरे में बंधी बकरी को खाने के लालच में मेल टाइगर पिंजरे में आ फंसा। पिंजरे में फंसे बांध की उम्र करीब 2.5 साल है, लेकिन कद काठी में वह किसी वश्यक टाइगर की तरह दिखता है। इसे T21 बाघ बताया जा रहा है। ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसे सतपुरा टाइगर रिजर्व भेज दिया गया है। बता दें कि मैनिट कैंपस में उसकी मौजूदगी से हड़कंप मचा हुआ था। यहां तक कि मैनिट प्रबंधन को समय से पहले स्टूडेंट की छुट्टियां भी लगानी पड़ी थीं। वह अब तक 6 गायों पर हमला कर चुका था, जिसमें से 4 मर गई थीं। टाइगर ने इन्हें खाया भी था। DFO आलोक पाठक ने बताया कि टाइगर को ललचाने के लिए पिंजरे में बकरी बांधी गई थी। रात में वह बकरी का शिकार करने आया और पिंजरे में फंस गया। रविवार सुबह उसे बेहोश करने के बाद सतपुरा टाइगर रिजर्व भेज दिया गया। उसकी करीब उम्र 2.5 साल है। हालांकि हाइट और वजन अच्छा है। टाइगर को रेडियो कॉलर पहना दिया गया है। पहले अधिकारियों का अनुमान था कि मैनिट में जो टाइगर घूम रहा है वह संभवत बाघिन है। 1-2-3 के 2 शवकों में से एक है, जिसे कुछ दिन पहले वाल्मी के पास देखा गया था। हालांकि टाइगर के पकड़े में आने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। ये इलाके में नए बाघ की दस्तक थी, जो कि वन विभाग के रिकॉर्ड में भी था। इसे T21 बताया जा रहा है।